हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। करता हूं आपका थ्योरी टू प्रैक्टिकल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। देखो, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। यानी जो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है हमारे, वो मेनली काम करते हैं लो वोल्टेज पर, लेकिन ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो वोल्टेज की तुलना में थोड़े हाई वोल्टेज पर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। इनके नाम के आगे जो पावर लगा है वो इसी वजह से लगा है क्योंकि ये थोड़े हाई वोल्टेज पर भी काम कर सकते हैं। देखो, कई हमारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके अंदर हमें जिस डिवाइस की जरूरत पड़ी है वो डिवाइस हाई वोल्टेज पर काम करना चाहिए, तो उन हाई वोल्टेज पर काम करने वाले डिवाइसों के लिए डिवाइसों को बोला जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या अगर मैं बात करूं डायक, ट्रायक, UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, GTO, IGBT, ये काफी सारे यहाँ पर हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। और इस चैप्टर में हम उन सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, इससे पहले आपने पढ़ा होगा डायोड के बारे में और BJT के बारे में, तो डायोड और BJT का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड करके, थोड़ा सा बढ़ाकर, उनमें थोड़े से चेंजेस करके इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का निर्माण किया जाता है। अब देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी सेम वही चीज होती है जो डायोड और BJT के अंदर होती है। डायोड और BJT के अंदर क्या होता था, पी टाइप के और एन टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर होते थे, वही पी टाइप के और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लगाकर, अलग अलग तरह से उनका यूज करके इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का निर्माण किया जाता है। तो देखो, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक और दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जिसे बोला जाता है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। क्या नाम है इनका एक और दूसरा, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अब देखो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा वहां पर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अब देखो, इनको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्यों कहा जाता है, इसका भी मैं रीजन बता दूं, क्योंकि इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हमारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर है और जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप और एन टाइप के जो अर्धचालक है, उन अर्धचालक के बीच में कोई जगह नहीं होती, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर का वो वहां पर निर्माण करते हैं, इसीलिए इन डिवाइसेस को पावर इलेक्ट्रॉनिक, इन डिवाइसेस को सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी कहा जाता है। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मेनली इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस आप समझते हो, स्विचिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग किसी परिपथ या किसी सर्किट में ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। अगर किसी परिपथ में हम इन स्विचिंग डिवाइसेस को लगाते हैं तो इनका मेन काम होता है उस परिपथ को ऑन करना या ऑफ करना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मेनली एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज किया जाता है। तो चलो, यहाँ पर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात की, तो इनके बारे में आपने डायोड में पढ़ा होगा कि किस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, किस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। देखो, जो हमारे मेन सेमीकंडक्टर है वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ अशुद्धियां मिलाकर, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं, यानी इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से बंधे हुए होते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते,
तो किसी एक सिलिकॉन अणु में अगर हम बात करें तो वो चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन अणु के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ बंद बनाकर रहते हैं। तो इस वजह से इन सेमीकंडक्टर में निम्न टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर अधिक विद्युत चालकता नहीं होती। इनकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा कि इनका टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा या फिर इनमें किसी दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाएगी जिसे बोला जाता है डोपिंग। अब देखो इसमें डोपिंग की जाती है सेमीकंडक्टर में या तो ग्रुप थर्ड के एलिमेंट की, ग्रुप थ्री के एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है ग्रुप फाइव के एलिमेंट की। ग्रुप फाइव के एलिमेंट यानी वे एलिमेंट जिनके बाहरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप थ्री के एलिमेंट का फेमस एग्जाम्पल है बोरॉन, और ग्रुप फाइव के इलेक्ट्रॉन का, ग्रुप फाइव का जो एलिमेंट है इसका फेमस एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। तो इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या किया जाएगा, बोरोन या फास्फोरस की अशुद्धियां मिलाकर इन सेमीकंडक्टर्स को एक अच्छा कंडक्टर बनाया जाता है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है और किस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। देखो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो बनता है जब हम उस सिलिकॉन के अंदर ग्रुप थ्री की अशुद्धि मिला देंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब हम उस सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप फाइव की अशुद्धि मिला देंगे। अब देखो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जिन कैरियर की अधिकता होती है, जिन चार्ज की अधिकता होती है वो होते हैं इसके अंदर होल। और एन टाइप के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, जिन चार्ज की अधिकता होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह से इनकी अधिकता होती है, क्या इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आई थिंक आपने डायोड के टाइम इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान दे लेते हैं ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलो सबसे पहले एक सिलिकॉन की मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ कि किस तरह से सिलिकॉन के अंदर चार इलेक्ट्रॉन आपस में बंद बनाकर रहते हैं। तो मान लो ये हमारा सिलिकॉन है, काफी सारे सिलिकॉन के अणु एक दूसरे के पास स्थित है। सिलिकॉन का बारे में हमें पता है कि इसमें चार बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसकी बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो यहाँ पर इस तरह से सिलिकॉन बना लिया। अभी सिलिकॉन के जो चारों बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सिलिकॉन के साथ इस तरह से बंद बना लेंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, यानी ये चालक की तरह व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि चालक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी एलिमेंट एक चालक के रूप में कब व्यवहार करेगा, जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे चालक अचालकों के बारे में, एक चैप्टर है चालक अचालकों से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया था कि चालकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इस सिलिकॉन में क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे आपस में बंद बना लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बंद बना लिया, इस तरह से सब इलेक्ट्रॉन ने आपस में बंद बना लिया। तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए सिलिकॉन की नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई चालकता नहीं होती। अब देखो इसकी चालकता बढ़ानी है तो क्या किया जाए कि इन बंधों को तोड़ दिया जाए। बंधों को कैसे तोड़ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये बंध वहां पर टूट जाएंगे। अब सिलिकॉन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन आने से अब सिलिकॉन की चालकता बढ़ चुकी है। या दूसरा काम जो करते हैं, सिंपल काम चालकता बढ़ाने के लिए, वो ये किया जाता है कि इसके अंदर हम अशुद्धि मिला दें। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर हम मिलाते हैं बोरोन की अशुद्धि। अब बोरोन में क्या होते हैं, तीन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बोरोन की बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या किया जाएगा कि अब थोड़ी सी बोरोन की अशुद्धि इस सिलिकॉन के अंदर हम मिला देंगे, तो बोरोन क्या करेगा, इस सिलिकॉन के एटम को वहां पर रिप्लेस कर देगा। क्या किया इसने, इस सिलिकॉन के एटम को वहां पर रिप्लेस कर दिया। अब देखो जैसे ही सिलिकॉन का एटम वहां पर रिप्लेस हुआ, तो बोरोन में तीन फ्री इलेक्ट्रॉन है,
तो बोरोन केवल तीन ही बंद बना पाएगा। क्या करेगा बोरोन? केवल तीन ही बॉन्ड बना पाएगा, बोरोन इस चौथे बॉन्ड को नहीं बना पाएगा। या हम कह सकते हैं कि ये चौथा बॉन्ड वहां पर टूट जाएगा। यानी पहले सिलिकॉन के, इस वाले सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही बोरोन ने इसको रिप्लेस किया तो अब यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन की कमी को ही बोला जाता है होल। अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उस जगह को छोड़कर चला गया, तो उस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ही बोला जाता है वहां पर होल। तो पहले चार इलेक्ट्रॉन थे, अब तीन इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी यहां पर अब होल का निर्माण हो गया। क्या हो गया? यहां पर एक होल का निर्माण हो गया, एक होल बन चुका है। तो अब इस होल की वजह से इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, वैद्युतीय चालकता आएगी। तो ये हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम यहां पर बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया जाएगा? ग्रुप 5 का एलिमेंट मिलाया जाएगा, यानी इसके अंदर मान लो हमने फॉस्फोरस मिला दिया। फॉस्फोरस के जो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब क्या किया कि फॉस्फोरस ने इस सिलिकॉन को हटा दिया, सिलिकॉन को इसने रिप्लेस कर दिया। अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में यहाँ पर बंद बना लेंगे, लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसको बंद बनाने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, विद्युतीय चालकता होगी, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। तो ये था एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज ही हम करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में। लेकिन इस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्टडी से पहले हम थोड़ा सा आईसी के बारे में जान लेते हैं। आईसी का आपने सुना होगा, मोबाइल के अंदर आईसी होती है, लैपटॉप के अंदर आईसी होती है, टीवी के अंदर आईसी होती है, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सबके अंदर आईसी होती है। तो अभी आईसी एक्चुअल में होती क्या है? आईसी में क्या होता है कि एक इस तरह के हमारे पास प्लेट होती है, इस प्लेट पर रजिस्टर, कैपेसिटर, जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डायोड हुआ, बीजेटी हुआ, यूजेटी, डायक, ट्रायर, इन सब को इस प्लेट के ऊपर लगा दिया जाता है। और उसके बाद ये सब जो इनका फंक्शन होता है, जिस फंक्शन के लिए हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस फंक्शन के लिए हमने इसे डिजाइन किया है, वो उस काम को वहां पर कंप्लीट करते हैं। तो आईसी, जिसका फुल नेम है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल नेम याद रख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर एक प्लेट पर कई सारे रजिस्टर, कई सारे कैपेसिटर, कई सारे डायोड, बीजेटी, यूजेटी, इन सब को वहां पर लगाया जाता है। जनरल लैंग्वेज में हम इसको चिप बोलते हैं, आईसी बोल सकते हैं, या जनरल लैंग्वेज में नॉर्मली हम इसको चिप बोलते हैं। बोलते हैं ना कि जैसे मोबाइल कुछ काम नहीं कर रहा, कोई उसका फंक्शन नहीं काम कर रहा, तो बोलते हैं कि हो सकता है कि इसकी आईसी खराब होगी, या जैसे टीवी है ऑन नहीं हो रहा, दुकानदार के पास ले जाते हो, बोलता है कि इसकी पावर आईसी गई। यानी जो आईसी है वो अलग अलग काम करती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और उस आईसी की मदद से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जितने भी फंक्शन होते हैं वो वहां पर परफॉर्म होते हैं। तो देखो, दो तरह की हमारे पास आईसी होती है, एक होती है एनालॉग आईसी और दूसरी होती है हमारे पास डिजिटल आईसी। तो एनालॉग और डिजिटल आईसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या एनालॉग आईसी होती है और क्या डिजिटल आईसी होती है। तो देखो, इस एनालॉग और डिजिटल आईसी के बारे में एक बात सबसे पहले हमें याद रखनी है। तो चलो, सबसे पहले हम एनालॉग आईसी की बात करें, तो एनालॉग आईसी को लीनियर आईसी भी बोला जाता है। लीनियर आईसी यानी रैखिक आईसी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से कौन सी एक रैखिक आईसी है, लीनियर आईसी है, तो आपका आंसर होगा कि एनालॉग आईसी एक हमारी रैखिक आईसी है। अब देखो, इस एनालॉग आईसी के अगर हम यूज की बात करें, तो एनालॉग आईसी का मेनली इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे ऑडियो एप्लीकेशन है।
यानी जो आवाज वाले हमारे एप्लीकेशन है उस जगह पर इस एनालॉग आईसी का यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यूज किया जाता है ओपेम के अंदर। ओपेम का फुल नेम है ऑपरेशन एम्पलीफायर। ये इलेक्ट्रॉनिक का काफी अच्छा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अच्छा डिवाइस है। ये काफी सारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं इस ओपेम की मदद से, जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रल, काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं इस ओपेम के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपेम के अंदर इस एनालॉग आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। वही क्वेश्चन बन सकता है कि ओपेम के अंदर कौन सी आईसी लगती है, तो ओपेम के अंदर लीनियर आईसी लगती है। अब देखो एनालॉग आईसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनालॉग चीजों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनालॉग चीजें क्या होती है। जो हमारी दीवार घड़ी होती है जिसमें 1, 2, 3 इस तरह से लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। और जो हमारी हाथ की घड़ी है जिसके अंदर डायल नहीं होता, जिसके अंदर जैसे मिनट सेकंड है उस तरह से चलती रहती है। मान लो जैसे ये हमारी घड़ी है तो इसमें इस तरह से बजा हुआ है 1:15:20, तो ये हमारी डिजिटल चीजें होती है। और जैसे अगर ये दीवार घड़ी है इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से इसमें डायल है, तो इसको हम बोलेंगे एनालॉग। तो एनालॉग और डिजिटल के अंदर ये अंतर होता है कि एनालॉग में हर एक वोल्टेज के लिए, यानी किसी भी वोल्टेज के लिए वहां पर सिस्टम होता है। इसके बाद सेकंड आईसी है हमारी डिजिटल आईसी। तो देखो डिजिटल आईसी का इस्तेमाल किया जाता है मेनली कंप्यूटर्स में। जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं उन मॉडर्न कंप्यूटर्स में डिजिटल आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिजिटल आईसी का सबसे पहले एप्लीकेशन लिख लेना कि डिजिटल आईसी का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर्स में। अब देखो डिजिटल आईसी की एक क्या खास बात होती है कि डिजिटल आईसी काम करती है बाइनरी ऑपरेशन पर। कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी वो केवल 0 और 1 समझेगा, इसके अलावा कंप्यूटर और कोई सी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो सेम चीज इन डिजिटल आईसी में होती है कि ये बाइनरी ऑपरेशन पर काम करती है, 0 और 1 समझती है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हमने डिजिटल आईसी लगा रखी है तो जब इसको 0 सिग्नल दिया जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगी, और जब इसको 1 सिग्नल दिया जाएगा तो ये ऑन हो जाएगी। तो इस तरह ये केवल 0 और 1 को ही समझती है। यानी कुछ इस तरह से मान लो कि 0 तो ऑफ, जैसे हमने इसको 1 दिया, मान लो ये 0 है और ये 1 है, तो 0 पे ये ऑफ होगी, जैसे हम इसको 1 देंगे ये ऑन हो जाएगी। तो यहां से यहां तक ऑन, फिर वापस 0 पे आएगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी। तो इस तरह चलती है डिजिटल आईसी। लेकिन लीनियर आईसी या एनालॉग आईसी क्या थी, वो रैखिक थी, यानी उसका ग्राफ कुछ ऐसा था। वो क्या थी, रैखिक थी। इस तरह का ग्राफ होता है एनालॉग के केस में, और डिजिटल के केस में इस तरह का ग्राफ होता है। डिजिटल केवल 0 और 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जबकि एनालॉग क्या है, हर एक पॉइंट को समझती है। वो 0 दिया उसको भी समझेगी, 0.1 दिया तो उसके हिसाब से काम करेगी, 0.2 दिया तो उसके हिसाब से काम करेगी। लेकिन डिजिटल में क्या होगा, 0 और 1 को ही समझेगी। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू दे दोगे तो ये समझेगी नहीं, यानी ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, जबकि एनालॉग आईसी में ऐसा नहीं होता। तो जो समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन बनता है इन दोनों से, वो इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड ही बनता है कि डिजिटल आईसी का क्या इस्तेमाल है और एनालॉग आईसी का क्या इस्तेमाल है। डिजिटल आईसी का यूज किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर, और एनालॉग आईसी का इस्तेमाल किया जाता है ओपेम या जो हमारे ऑडियो एप्लीकेशन है, आवाज वाले एप्लीकेशन है, वहां पर इस एनालॉग आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो एनालॉग आईसी के बारे में अगर और हम बात करें, देखो थोड़ा प्रैक्टिकली देख लो, इस तरह का सर्किट होता है। अभी तो ये जैसे मीटर का सर्किट है, मीटर में इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर आप अपना टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, तो आपको कुछ इस तरह का सर्किट दिखेगा, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसी शेप का आपको सर्किट दिखेगा। ये जो प्लेट है, जिस प्लेट के ऊपर ये कंप्लीट सर्किट बना है, देखो ये प्लेट पहले बिल्कुल खाली रहती है, अभी तो इसके ऊपर यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट लगा रखे, लेकिन कंपोनेंट लगाने से पहले बिल्कुल प्लेट खाली रहती है, तो इस प्लेट को बोला जाता है पीसीबी। अब देखो इसमें आईसी की बात करूँ मैं,
तो ये जो ब्लैक वाली आपको चिप दिख रही है, ये चिप ये सारी चिप यहाँ पर आईसीज है। इन सब चिप का अलग अलग काम है, इनके काम के हिसाब से इनकी फंक्शनिंग की जाती है, इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके बाद इन चिप का इस्तेमाल किया जाता है। चिप लगा दी, प्रोग्रामिंग कर ली कि किस चिप का क्या काम है, कैसे काम करेगी, फिर हम इसको उस डिवाइस के अंदर लगा देते हैं। तो जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो जिस चिप का जो काम होगा, जिस आईसी का जो काम होगा, वो अपना काम वहाँ पर परफॉर्म करेगी। अभी देखो यहाँ पर एक और आईसी लगानी है, वो अभी इसमें लगा नहीं रखी। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जगह IC1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी एक IC लगनी बाकी है। बाकी ICs आप देख सकते हो, एक ये IC है, ये भी IC है, ये भी IC है, ये भी IC है, और इसके अलावा इसमें देखो बहुत सारे और भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। जैसे ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जैसे इंडक्टर लगा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस तरह की एक शेप होती है आईसी की। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आईसीज का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इनकी साइज भी कम होती जा रही है। तो ये थी यहाँ पर आईसी, दो तरह की हमने आईसी पढ़ी, एनालॉग आईसी एंड डिजिटल आईसी। इसके बाद यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है SCR, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो चलिए हेडिंग डालना SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और इसका एक और दूसरा फेमस नाम है, वो नाम है थायरिस्टर। तो SCR के बारे में हम बात करेंगे, सिलिकॉन, S4 सिलिकॉन, C4 कंट्रोल्ड, R4 रेक्टिफायर अथवा थायरिस्टर। देखो सबसे पहले अगर SCR की बात करें तो ये एक 4 लेयर, इसके अंदर 4 लेयर होती है, वो 4 लेयर होती है PNPN, यानी 2 लेयर होगी P टाइप के सेमीकंडक्टर की और 2 ही लेयर होगी इसमें N टाइप के सेमीकंडक्टर की। तो इसमें होती है 4 लेयर, इसके अंदर होते हैं 3 जंक्शन, 3 इसके अंदर जंक्शन होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर होते हैं 3 टर्मिनल, 3 इसके अंदर टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है इसमें एनोड यानी पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल होता है इसके अंदर कैथोड यानी नेगेटिव, और तीसरा टर्मिनल होता है इसके अंदर गेट। इस गेट टर्मिनल का काम होता है इस SCR को स्टार्ट करना, इस SCR को ट्रिगरिंग पल्स देना। तो चलो एक डायग्राम से देखते हैं कि SCR में एनोड, कैथोड और गेट किस किस तरह से लगे हुए होते हैं। तो SCR के बारे में सबसे पहले आपको ये चीजें नोट करनी है कि एक 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं एनोड, कैथोड एंड गेट। चलो अब SCR के बारे में थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। देखो SCR कुछ ऐसा होता है, P1 बोल दो, इसको N1 बोल दो, इसको P2 बोल दो और इसको N2 बोल दो। यहां पर इसमें एक टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल है एनोड और ये वाला टर्मिनल होता है इसके अंदर कैथोड, ठीक है। इसके बाद इस पी और इस एन, आपको पता है कि जब एक पीएन जंक्शन हम बनाते हैं, ये पी हो गया या एन हो गया, तो इनके बीच में एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। पढ़ा होगा डायोड की बिल्कुल बेसिक के अंदर कि P और N के बीच में एक लेयर होती है और उस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। तो देखो इस P1 और N1 के बीच में एक लेयर होगी, इस लेयर को बोला जाएगा J1। P2 और इस N1 और P2 के बीच में एक लेयर होगी, इसे बोला जाएगा J2, और इस P2 और N2 के बीच में एक और लेयर होगी, जिस लेयर को बोला जाएगा J3, और यहां पर होता है इसमें गेट टर्मिनल। तो देखो इस डायग्राम में देखना आसानी से, 4 इसके अंदर लेयर है, पहली लेयर होगी, 4 इसके अंदर लेयर है P1, N1,
P2 और N2। इसके बाद इसमें तीन जंक्शन होते हैं J1, J2 और J3। P1 और N1 के बीच में एक जंक्शन होता है जो हो गया J1 जंक्शन। N1 और P2 के बीच में एक जंक्शन होता है जो J2 जंक्शन कहलाता है, और P2 और N2 के बीच में एक और जंक्शन होता है जिसे J3 जंक्शन बोला जाता है। अब देखो, अगर इसके हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये इसमें गेट टर्मिनल हो गया, ये इसके अंदर एनोड हो गया, और ये इसके अंदर कैथोड हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक SCR का। तो ये यहाँ पर बात हुई कि SCR की क्या कंस्ट्रक्शन होती है और किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या SCR की वर्किंग होती है। तो देखो, SCR की जो वर्किंग है वो तीन मोड में होती है। क्या मोड में होती है SCR की वर्किंग? तीन मोड में होती है। तो तीनों मोड्स के पहले नाम सुनना। देखो, पहला मोड होता है SCR की वर्किंग का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इन तीनों मोड के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इनका नाम सुन लेना। पहला हो गया रिवर्स ब्लॉकिंग, दूसरा मोड होता है इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और तीसरा मोड होता है इसके अंदर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो चलो इन डायग्राम को बना लेना, उसका वहां पे रिप्रेजेंटेशन को बना लेना, और इन तीनों मोड्स के नाम लिख लेना। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में, कि एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के केस में किस तरह से SCR काम करता है। तो देखो, रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या किया जाता है कि इस एनोड को, ये जो एनोड है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और कैथोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा पॉजिटिव से। ये बातें सब एग्जाम में आने वाली है भैया, पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एनोड को कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैथोड को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो देखो, एनोड को तो यहाँ पर माइनस से कनेक्ट कर देंगे और कैथोड को यहाँ पर प्लस से कनेक्ट कर देंगे। तो लिख लेना, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एनोड को तो हमने कर दिया नेगेटिव और कैथोड को हमने कर दिया पॉजिटिव। चलो, अब थोड़ा सा याद दिलाते हैं डायोड वाला केस आपको। डायोड में क्या होता था, देखो इस तरह से हमारा डायोड होता था। अगर ये डायोड का एनोड है और ये डायोड का कैथोड है, अगर डायोड का एनोड, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर PN जंक्शन डायोड की, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर PN जंक्शन डायोड की। तो देखो, PN जंक्शन डायोड में क्या होता था कि जब P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो उस वक्त डायोड कहलाता था फॉरवर्ड डायोड। क्या कहलाता था डायोड? फॉरवर्ड डायोड। और फॉरवर्ड डायोड एक ऑन स्विच की तरह काम करता है। फॉरवर्ड डायोड कैसे करता है? एक ऑन स्विच की तरह। जब भी हम अपना पंखे का बटन दबाते हैं तो पंखे का बटन दबाते हैं, उसमें से करंट फ्लो होने शुरू हो जाती है और पंखा चल जाता है। तो जब भी कोई डायोड फॉरवर्ड मोड में होगा तो उस वक्त वो काम करेगा ऑन। बस ये समझ लेना आपको कि फॉरवर्ड है इसका मतलब ऑन है। जब पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, पी पॉजिटिव होता है और N नेगेटिव से जुड़ा होता है, तो उस वक्त वो डायोड ऑन होता है। और जब P नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है और N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है, तो वो डायोड कहलाता है रिवर्स डायोड या रिवर्स बायस कंडीशन हम इसको बोलते हैं। और इस कंडीशन में डायोड एक ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो वो चीजें हम थोड़ी सी यहां पर यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने डायोड में जाकर उनके बारे में थोड़ा बता दिया। क्या याद रखना है? पीएन जंक्शन डायोड, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, तो डायोड होगा ऑन यानी फॉरवर्ड। और अगर उल्टा हो गया इसका, यानी पी अगर नेगेटिव हो गया और एन
पॉजिटिव हो गया तो डायोड होगा रिवर्स बायस, यानी इस वक्त ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। तो चलो बात करेंगे, सबसे पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, ये चीजें थोड़ी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, मैं रफ करने वाला हूँ क्योंकि ये काम आने वाली है जब हम इस SCR को समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इस P की बात करूंगा मैं, नेगेटिव P किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो ये जो J1 जंक्शन है, क्या है ये जो J1 जंक्शन है, ये क्या हो जाएगा यहां पर रिवर्स बायस, क्या हो जाएगा J1 जंक्शन यहां पर रिवर्स बायस। और देखो कैथोड N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, अभी मैंने बताया कि जब P पॉजिटिव से हो तो फॉरवर्ड बायस और जब N पॉजिटिव से हो तो रिवर्स बायस, तो ये J3 जंक्शन भी यहां पर रिवर्स बायस हो जाएगा। इसके अलावा देखो बात करो अगर मैं इस N1 की, तो ये N1 है ये ऐसे यहां पर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ऐसे मत सोचना कि ये इस तरह से लेयर है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये नेगेटिव इस P1 और N1 दोनों से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव इस P2 और N2 दोनों से जुड़ा हुआ है। तो देखो नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, N से, और पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, P से। इसका मतलब जो J2 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है। भैया ये चीजें ढंग से समझना क्योंकि ये काफी काम आती है SCR में। P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो J1 रिवर्स बायस, N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो J3 फिर से रिवर्स बायस, और ये N यहां पर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब J2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के केस में तीनों जंक्शन का व्यवहार किस तरह का रहता है, J1 और J3 रिवर्स बायस और J2 होता है वहां पर फॉरवर्ड बायस। तो देखो जब J1 और J3 रिवर्स बायस है, इसका मतलब यहां से ये एक तरह से ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है और ये वाला जंक्शन भी ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है, तो ये SCR अपने में से करंट का फ्लो नहीं होने देगा, यानी SCR को हम बोल सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। देखो SCR के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि SCR कब करंट का फ्लो अपने अंदर में से होने देगा, जब ये तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, केवल उसी केस में SCR अपने में से करंट का फ्लो होने देगा। अगर तीनों में से कोई भी एक अगर जंक्शन वहां पर रिवर्स बायस में है तो SCR अपने में से करंट का फ्लो नहीं होने देगा। तो ये बात हुई रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस में क्या होगा, कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन एक बात और है कि जब भी कोई डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो धारा प्रवाह नहीं होने देता, मतलब जो धारा जितनी प्रवाहित होनी चाहिए उतनी धारा प्रवाह नहीं होने देता, उसके अंदर से थोड़ा सा लीकेज करंट जिसे हम बोलते हैं, एक टर्म होती है लीकेज करंट, तो वो लीकेज करंट वहां पर फ्लो होने देता है, यानी बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कम अमाउंट की एक करंट फ्लो होने देता है रिवर्स डायरेक्शन में। कहां पर, रिवर्स डायरेक्शन में एक छोटी सी करंट फ्लो होने देता है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट, यानी केवल लीकेज करंट या लीकेज धारा प्रवाहित होगी। और देखो जो ये लीकेज करंट है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी ये होनी चाहिए थी एनोड से कैथोड की ओर, लेकिन ये फ्लो हो रही है कैथोड से एनोड की ओर। तो इस टाइम जो करंट फ्लो होगी उस करंट को बोला जाएगा रिवर्स लीकेज करंट। लीकेज करंट तो है लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसलिए इस करंट को बोला जाएगा रिवर्स लीकेज करंट। यानी यहां से हमको एक बात समझ में आई कि ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में J1 और J3 रिवर्स बायस होते हैं जबकि J2 फॉरवर्ड बायस होता है, और इस स्थिति में कोई करंट फ्लो नहीं होती,
केवल एक लीकेज करंट फ्लो होती है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो उसे बोला जाता है रिवर्स लीकेज करंट। इसके बाद जब हम तीनों मोड को डिस्कस कर लेंगे तो वहां पर एक ग्राफ की मदद से मैं आपको इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के केस में रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है। चलो इसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। तीन हमारे पास मोड है, रिवर्स और फॉरवर्ड। तो इसके बाद देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरा मोड है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा कि एनोड को पॉजिटिव कर दिया जाएगा और कैथोड को नेगेटिव कर दिया जाएगा, यानी इस तरह से कर दिया जाएगा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो देखो अब क्या होगा, जब एनोड को पॉजिटिव कर दिया और कैथोड को नेगेटिव कर दिया तो पी पॉजिटिव से, एन इधर नेगेटिव से, पी किससे पॉजिटिव से और एन क्या नेगेटिव से, यानी जे वन और जे थ्री जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या थे, रिवर्स बायस थे, अब वो दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और अगर इस बात करें हम इस जे टू की, तो देखो पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है और नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, यानी इस केस में अब जे टू रिवर्स बायस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जहां J1 और J3 रिवर्स बायस थे और J2 फॉरवर्ड बायस था, वहीं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में J1 और J3 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे जबकि J2 रिवर्स बायस हो जाएगा। अब देखो फिर से कंडीशन क्या थी, अगर फुल करंट को फ्लो करवाना है तो तीनों के तीनों जंक्शन फॉरवर्ड मोड में होने चाहिए, लेकिन क्या है ये J2 फिर से रिवर्स बायस हो गया, J2 यहाँ पर रिवर्स बायस में है, तो अब भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, केवल एक हल्की सी करंट फ्लो होगी, छोटी सी करंट फ्लो होगी जिसे बोला जाएगा लीकेज करंट। लेकिन ये लीकेज करंट अब क्या है, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होगी, करंट थोड़ी सी फ्लो होगी लेकिन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगी, तो इस लीकेज करंट को बोला जाएगा फॉरवर्ड लीकेज करंट। सेम पिछले केस की तरह ये लीकेज करंट कहलाएगी फॉरवर्ड लीकेज करंट। पिछले केस में इस लीकेज करंट को क्या बोला जा रहा था, रिवर्स लीकेज करंट, लेकिन अब इसको क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट, क्योंकि ये अब एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होगी। अब देखो भाई SCR में से करंट तो फ्लो हो नहीं पा रही, केवल थोड़ी सी करंट फ्लो हो पा रही है, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो दो काम यहाँ पर कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला वोल्टेज बढ़ा दे, ये वाला वोल्टेज अगर बढ़ गया तो क्या होगा कि ये जो J2 रिवर्स बायस हुआ है, ये इसकी जो रिवर्स बायस होने की क्षमता है या जो इसकी डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे वहां पर फिर कम होती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे हम, वोल्टेज का क्या मतलब, एक तरह से फोर्स, तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगेगा तो उतने ही ज्यादा अब इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट होगा, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट होने से धीरे धीरे उतनी ही करंट बढ़ती जाएगी। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है, दूसरा इलाज ये है हमारे पास इस SCR को ऑन करने का कि अब हम क्या करें कि ये जो गेट टर्मिनल है जिसको हमने अभी तक यूज में नहीं लिया है, इस गेट टर्मिनल में हम क्या कर दे कि इस तरह से पॉजिटिव वोल्टेज हम इस गेट टर्मिनल पर लगा दे, तो ये तीसरा मोड हो जाएगा और इस तीसरे मोड को बोला जाएगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्या करो अब कि यहां पर गेट टर्मिनल को आपने ऑन कर दिया, गेट टर्मिनल को कैसे ऑन करा कि इस गेट टर्मिनल के अक्रॉस भी आपने एक वोल्टेज लगा दिया, मान लो इस वोल्टेज को आपने बोल दिया वीजी वोल्टेज, भैया आपने अब गेट टर्मिनल के अक्रॉस लगा दिया। एनोड और कैथोड तो वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग मोड था, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या था, गेट टर्मिनल के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं लगा था, अब उसी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में गेट टर्मिनल के अक्रॉस हम कोई वोल्टेज लगा दे तो वो मोड बन जाएगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब देखो इस केस में क्या होगा,
J1 और J3 तो हमारे भैया फॉरवर्ड बायस है ही। अब बात करेंगे यहाँ पर J2 की। तो देखो J2 क्या होगा, P पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, यानी अब ये J2 जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रिवर्स बायस में था, अब गेट टर्मिनल पर वोल्टेज लगाने से ये भी फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो देखो जब ये फॉरवर्ड बायस में आ गया तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। तो यहाँ क्या होगा कि धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, धारा का प्रवाह होना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हमने गेट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया।